कांग्रेस हमेशा इन्हीं आधारों पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो अनावश्यक रूप से विकसित भारत के मोदी जी स्वप्न के साथ जो चुनाव लड़ रहे थे उसको अनावश्यक रूप से जिन लोगों ने आपातकाल लगाकर 100 से अधिक बार धारा 356 का प्रयोग करते हुए चुनी हुई सरकारों को गिराकर संविधान का हत्या करने का काम जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने देश पर आपातकाल लगाया, उन लोगों ने संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में जैसे अफवाह फैलाने का काम किया। तो जाति धर्म की राजनीति, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति, जाति की राजनीति कांग्रेस करती आई है। आप सबको ज्ञात है 1986 में साहबानो प्रकरण हुआ था जिसमें एक मुस्लिम माता को प्रतिमाह जो खर्चा मिलना था तलाक 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 करके उसे तलाक दे दिया गया था, उसे भी अध्यादेश लाकर पलटने का पाप अगर किसी ने किया है तो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस ने किया है। तो जाति धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, न्याय सभी के साथ, तुष्टिकरण किसी के साथ।